बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन पैगाम मुस्तफ़ा टीवी के प्लेटफार्म से इस्लामाबाद से इस्लाम की बात करने के लिए सैयद जहांगीर शाह सईदी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज पूरी कौम को मैं खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। इस वक्त मेरे सामने मुताला कुरान हकीम बराए तलबा व तलबात मौजूद है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की सरपरस्ती में तमाम मसालिक के उलमा पर मुश्तमिल कमेटी ने 3.25 साल के अरसे में कुरान पाक का एक निसाब तैयार किया है जो 6ठी से 12वीं क्लास तक पढ़ाया जाएगा। नाज़रीन, यकीनन तमाम मसालिक के उलमा का ये बहुत बड़ा एक किरदार है और ये कारनामा है। पूरी कौम का हमेशा एक शिकवा होता था कि उलमा अगर इकट्ठे हो जाए, एक कुरान पाक का तर्जमा तैयार हो जाए, फिरकावारियत में कमी आ सकती है, फिरकावारियत का खात्मा हो सकता है और ये जो दूरियाँ ये ख़त्म हो सकती हैं। यकीनन उलमा ने पूरी कौम का शिकवा दूर किया है। उलमा यकीनन पहले भी बहुत दफ़ा इकट्ठे हुए हैं, वो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का मामला हो, वो तहरीक ख़त्म नबूवत का मामला हो, वो 22 नुकात का मामला हो, लेकिन नाज़रीन इस दफ़ा जो उलमा इकट्ठे हुए हैं इसके जो फ़वाद हैं ये निचली सतह तक मुंतकिल होंगे। यकीनन जो हमारी मौजूदा नस्ल है और आने वाली नस्लें जब कुरान पाक को एक पढ़ेंगे तो यकीनन इसका बहुत फ़ायदा होगा और ये जो खिंचाव और तनाव है इसमें बहुत कमी आएगी। और जिन उलमा ने इसमें किरदार अदा किया है उनका तारफ़ मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हज़रत अल्लामा साहबज़ादा सैयद अशरशी काज़मी, शेख उल हदीस जामिया अनवारुल मुल्तान, सीनियर नायब सदर तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान, इसी तरह हज़रत अल्लामा डॉक्टर मंजूर मेंगल साहब, इसी तरह आगा मोहतरम अल्लामा आगा शिफा नजफ़ी साहब, इसी तरह अल्लामा शेख नजीबुल्ला तारिक साहब, इसी तरह अल्लामा गुलाम मोहम्मद सियाली अलैहि रहमा, इसी तरह डॉक्टर अताउर रहमान साहब और इसी तरह वफाकी वजारत तालीम के ज़ेर एहतमाम, क्योंकि ये काम हुआ है वफाकी हुकूमत के ऑर्डर पे, तो इसमें मोहतरम सैयद दाऊद शाह साहब ने बहुत कारनामा सर अंजाम दिया। इसी तरह मोहतरम रफीक ताहिर साहब ने माशाल्लाह बहुत शफकतें फरमाई और इसमें ये जो उलमा ने जितना भी काम किया है इस काम को तरतीब देने में जिस शख्सियत का बहुत बड़ा किरदार है उनकी टीम का, वो है मोहतरम शेख शुजाउद्दीन साहब। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा काम है। कुरान पाक से टूटा हुआ रिश्ता हमारा बहाल हो सकता है, हमारी मौजूदा नस्ल और आने वाली नस्लों का कुरान से टूटा हुआ रिश्ता बहाल हो सकता है अगर हम कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें। और अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी हुकूमत ने ये वफाक में तो इसको नाफिज कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ये तमाम सूबों में इसको नाफिज किया जाएगा जब हमारी नस्ल कुरान को समझेगी। देखिए नाज़रीन, हमारी कितनी बदकिस्मती है कि आज हमारे कोई दोस्त, हमारा कोई अजीज़ भाई रिश्तेदार आउट कंट्री से किसी मुल्क से कोई ख़त लिखता है, वो ख़त अरबी में हो, फारसी में हो, वो ख़त इंग्लिश में हो, तो जब ख़त आएगा तो जो इंग्लिश जानता होगा फ़ौरन हम उसके पास पहुंच जाएंगे, जो अरबी जानता होगा उसके पास हम पहुंचेंगे, ख़त पढ़वाएंगे कि हमारे अजीज़ रिश्तेदार ने क्या लिखा है। नाज़रीन, कुरान मजीद 1450 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक कुरान को हमने नहीं समझा अक्सरियत ने, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमारी ये बदकिस्मती है। हमें कुरान पाक को समझना चाहिए। पूरी ज़िंदगी गुजारने के जो असूल हैं, ज़वाबित हैं, कवायद हैं, कुरान में मौजूद हैं। दुनिया का, पूरी दुनिया का जो कानून है, जो ला है, अगर आप उसका मुताला करें तो कुरान मजीद जो है पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब के जो कानून हैं उनका जो निचोड़ है वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद ये वो अजीम किताब है, अल्लाह ने फरमाया अगर मैं इसको पहाड़ पर नाजिल करता तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, तो जो वजन पहाड़ ने बर्दाश्त किया वो कल्ब मुस्तफ़ा ने किया है। कुरान मजीद ये वो अजीम किताब है जिसको आप जितना पढ़ते जाएँ जी नहीं भरता, आप कहते हैं मैं बार बार पढ़ूं, हालांकि कोई भी किताब आप एक दफ़ा पढ़ते हैं दोबारा पढ़ने को जी नहीं चाहता। कुरान मजीद ये वो अजीम किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। तौरात में चेंजिंग आ चुकी है, इंजील में आ चुकी है, जबूर में आ चुकी है, कुरान मजीद में आज तक एक हर्फ में, ज़बर ज़ेर में चेंजिंग नहीं आई। आपको तराजिम तो बेशुमार मिलेंगे लेकिन कुरान मजीद में आज तक कोई चेंजिंग नहीं ला सका। क्यों? कि कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। नाज़रीन, कुरान मजीद को हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, यकीनन हमारी दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। नाज़रीन, ये जो काम हुआ है, मैं इस हवाले से एक बात और भी अर्ज़ करता चलूँ, इसका जो पस मंज़र है वो ऐसा है कि जब 2016 में वफाकी हुकूमत ने एक बिल पास किया
कि एक तर्जमा तैयार होना चाहिए निसाब के तौर पर, और जो पढ़ा स्कूलों में जिसको पढ़ाया जाए। तो वफाकी हुकूमत ने उस मौके पर यह किया कि दी इलम फाउंडेशन के तहत एक तर्जमा था उसको नाफिज करना चाहा, लेकिन जब ये तर्जमा हज़रत अल्लामा साहबज़ादा सैयद अरशद सिकानी शाह साहब ने मंगवाया, ये तमाम इसके जो हिस्से थे पढ़ा, उस पर गौर किया, तो देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग की ज़रूरत है। तो उसके बाद ये हुआ, हज़रत साहब क़िबला ने कोशिश की, हुकाम बाला तक राबता किया, और इसमें मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का ख़ास किरदार है। तो फिर ये कमेटी बनी, और कमेटी बनाने का एक मकसद ये भी था कि जब तमाम मसालिक के उलमा मिलकर बैठेंगे, और एक तो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा तौहीद का, रिसालत का, अम्बिया के नामूस का, और तमाम मसालिक, क्योंकि उलमा ने इसको तैयार करना था, एक कमेटी बने ताकि तमाम मसालिक के उलमा इसको तैयार करें, ताकि कल किसी को इतराज़ ना हो। जब एक मसलक के उलमा इसको तैयार करें तो फिर तो ये हो सकता है कोई भी इतराज़ कर सकता है, जिस पर एक मसलक की छाप है। अल्लाह के फजल व करम से ये जो तर्जमा तैयार हुआ है इस पर किसी एक मसलक की छाप नहीं है, ये तमाम मसालिक के उलमा का मुत्तफिका तर्जमा है। अब कोई बदकिस्मत होगा जो कुरान को नहीं पढ़ेगा, जो खुशकिस्मत होगा कुरान को पढ़ेगा और समझेगा, मसालिक से बरतर होकर कुरान को पढ़ेगा। और गवर्नमेंट ने माशाल्लाह इस हवाले से बहुत किरदार अदा किया, उलमा की खिदमत भी की है, TADA जो थे उलमा के खराजात उलमा के गवर्नमेंट ने बर्दाश्त किए। लेकिन मैं इस ज़माने में एक बात ये भी अर्ज करता चलूँ, मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा साहबज़ादा सैयद अरशद काज़मी शेखुल हदीस जामिया अनवार उलूम ने कोई गवर्नमेंट से TADA नहीं लिए, अखराजात नहीं लिए, खुद सारे जेब से बर्दाश्त किए। आपकी बेशुमार मसरूफियत थी, आपके सैकड़ों इदारे हैं जिनकी आप सरपरस्ती फरमाते हैं, और आप इदारे में एक शेखुल हदीस हैं, आपके महाना दुरूस से कुरान, दुरूस से अहदीस होते हैं, और आपने बेशुमार मसरूफियात को तर्क करके यकीनन तमाम उलमा ने और इस कुरान पाक का निसाब तैयार किया, यकीनन तो तमाम उलमा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इसमें कारनामा अंजाम दिया। नाज़रीन, ये मीटिंग का जो सिलसिला होता था सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहता था, 3.25 साल के अरसे में ये काम हुआ। मुझे हज़रत अल्लामा साहबज़ादा सैयद अरशद सिकानी शाह साहब, क्योंकि मेरे उस्ताद गिरामी है, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, मैं खादिम की हैसियत से इन मीटिंगों में जाता था, और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और मैं जब वहाँ देखता था कि उलमा किस कदर मेहनत करते हैं, और यकीनन इस निसाब की पूरी कौम को मैं समझता हूँ कदर करनी चाहिए, और एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ये निसाब पूरी उम्मत के लिए मुफीद होगा और पूरी उम्मत इससे फ़ायदा उठाएगी। तो हमें इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को और आखिरत को संवारना चाहिए। मैं इसी पे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। वस्सलाम।